इस वीडियो में मैंने वेबकैम यूज ही नहीं करा क्योंकि आठ तक आते आते वेबकैम कैसी कैसी हो जाती है आपको समझ आ जाए, आपको आ ही जाएगा समझ। तो मेन वीडियो पे जाते हैं। तो यो गाइस, क्या हाल चाल? मैं कर तो सब बढ़िया होगा। आज हम खेल रहे हैं राजी, एंड एक सेकेंड, मैंने जो पजल किया रहा था वो कही क्या? ये अब चल रहा है। ओके, हमें इस टेम्पल में जाना है, चलते हैं। ये फेस कैम ऑफ कर रखा है, और अगर आपको बैकग्राउंड से साउंड आ रही होगी तो कुछ कर सकते नहीं है भाई। शादी हो रही है यहाँ पे कहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग तो करनी है आपके लिए। चलो अब ये श्राइन आई है, आप देखेंगे, आप स्किप कर सकते हो अगर आपको जम से देखना है। मैं मत्स्य हूँ, सिंह वाली मछली, जिसने महाराज मनु को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगह ले गई थी। अच्छा, ये सारे अवतार है क्या? ओ मैं कुर्म हूँ, विशाल कछुआ, जिसने अपनी पीठ पर पहाड़ का भार उठा रखा है। नाइस, ये है, है? अरे नहीं, मैं वराह हूँ, जंगली सुअर, जिसने हजारों सालों तक हिरण्याक्ष से युद्ध किया। मैं नरसिंह हूँ, जिसका शरीर आदमी का है लेकिन सिर और पंजे शेर के हैं। जो मैं वामन हूँ, एक बोना, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को अपने कदमों से नाप लिया था। परशुराम, मैं परशुराम हूँ, वो शूरवीर महान योद्धा, जिसने अपना परशु फेंक कर पश्चिमी भूमि बनाई। ओ, मैंने बताता हूँ। मैं कल्कि, अब आएगा तलवार की लौ के साथ, जो बुराई और अंधेरे का चक्रव्यूह नष्ट करता है। कल्कि कब आएगा कलयुग में? मैं हूँ बुद्ध सिद्धार्थ, कल्कि अभी आई है ना, महाज्ञानी, साधु और शिक्षक। राम जी, मैं राम हूँ, वो राजकुमार जिसे वनवास मिला, जिसने सीता को असुर रावण से बचाया और प्रतिष्ठा के साथ घर लौटे। मैं कृष्ण हूँ, एक ग्वाला, परम दयालु, जिसने अर्जुन का रथ चलाया और उसका मार्गदर्शन किया। ओके, चलो कंप्लीट। नया वेपन निकाल। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भगवान विष्णु, मैं आपके नाम में इनका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुझे रास्ता दिखाएं मेरे भगवान। मेरे पता है भाई, उसके अलग पावर है क्या? ओ नाइस नाइस नाइस, मदद कीजिए क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। बेटी, मयूर की रक्षा करो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे जाना। या त्रिशूली वैसे अभी तो, अयो बच गया इससे। अरे क्या करना है? अरे भाई इससे ये रख सकता हूँ वैसे मैं अपनी मेन ली ना। आईटी बचना है। मेरी परीक्षा मत लो। ये तो नहीं है सही है नया हथियार, ये मेन रखूंगी, त्रिशूल रखूंगी, ये मेन। तुम मुझे रोक नहीं सकते। लो भाई तुम लो, 1 हिट किल हो रहे हैं मेरे में।
ज्यादा पावरफुल है क्या राजी? मेरे मुझे लग रहा मेरी राजी कुछ ज्यादा पावरफुल है। आ गया। अब यहाँ पे नीचे तो जाना है, वो यहाँ पे देख के आते हैं कुछ और बवोर बची है। अब हमें इसको अपग्रेड करने के लिए पैसे मिल गया, यही तो है वो। नो ओ बनैया शिव जी का भी मिलेगा हमें। चलो कुछ तो मिला, कैसा वो नहीं पता। अबे अबे वापस वो पार्कोर करके जाने क्या क्या असल वाला? अभी तक बोरिंग लेवल गया अभी तक का सबसे ज्यादा। पजल इतनी अच्छी नहीं लगती कसम से। मेरा वो वाला वो भी नहीं मिल रहा यार। वापस जा सकते हैं हम? वापस जा तो सकते हैं तो ना, आई थिंक सो जाना होगा ही नहीं या आगे जाना है हमें। यहाँ पे एक और वो मिल जाएगा वहां से। आ गया वापस, करना पड़ेगा। इसे अब इसे किधर लगेगा? ये रहा ऐसे। माँ क्या ये आप है? अरे यार यहाँ पे आना है। चलो एंड और तो जितने मिले उतने अच्छे है। और भी नहीं उठा रही यार, उठा ले और भी। एंड लिटिल बिट ऑफ पार्क। और अब कैमरा एंगल आगे के रखना चाहिए, अब उसका नहीं रखूंगी। यहाँ पे बॉय वो आएंगे बंदे। मेरे साथ माँ दुर्गा है। चलो उसमें तो आ गए, पावर आ गई शायद अब वापस। अरे भाई जी ये गाय जलाई करो, सब्सक्राइब अभी करो अभी भी आप भी। अरे तू रहने दे, मुझे कमजोर मत समझना। अनीचा नया लेवल का है। आपकी कृपा भगवान विष्णु, मैंने नहीं सोचा था मैं ये सब देखूंगी। आ राजी, तुम इससे बहुत आगे जाओगी और अपना समय पूरा होने से पहले बहुत से चमत्कार देखोगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। वो खतरे भी झेलेगी। बिल्कुल, ये जगह सुंदर है लेकिन इस पर रंगदा का कब्जा है। रंगदा को मारना भी तो है हमें। उम्मीद है कि राजी तैयार है। रंगदा को मारना पड़ेगा। हो गया क्या? यह निकल गए थिंक फ्रॉम यहाँ से। नहीं नहीं है, पानी में तैर रही है क्या? ये पानी में चल गई से रही है राजी। अच्छा भी वो है बीच के पानी में परछाई। कटपतली से शो कर रहा है। क्या वो गोलू था? आई डोंट नो, बस था हम। नहीं गोलू गोलू, अरे नहीं वे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं है भाई, वो रियल लाइफ में आईआरएल नहीं है वो।
धोखा चल रहा बहुत भयंकर। बूम बूम। अरे यार गोलू मैं आ रही हूँ। लो भाई ये वन हिट किल जा रहा है मुझे कसम से। आज चल के आ रही है वन हिट किल भाई। बूम यस। मैं तुमसे नहीं डरती। अरे यार ये धनुष इंद्र धनुष ऐसी पैसी। इसे उठाओ होता क्या है इससे। ये छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है। ये कौन घुसपैठिया है? इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? ये पहले भी लाइन बोली थी इसने वैसे डिट्टो सेम। आई थिंक सो यहाँ पे जाना है हमें। अच्छा ये तो हुआ मंदिर। जय माँ। जय माँ ये सही है मंदिर। देख रहे हो ऐसे खेला जाते इस गेम को। दो बैल के फिर भी वो वाला नहीं मिला बोलता है पॉइंट्स वाला अपन के स्किल बढ़ाने वाला। ये ज्यादा अच्छा है वैसे रदर देन त्रिशूल। अब ये बहुत दूर नहीं है लेकिन उसे बहुत ऊंचाई पर चढ़ना होगा। हम जानते हैं कि वो ऐसा कर सकती है लेकिन इसके बाद उसे जिसका सामना करना पड़ेगा वो शक्तिशाली है भगवान विष्णु लेकिन रंगदा बच्चों की भक्षक है। मेरा नगर आजाद होकर रहेगा। तुम मुझे गोलू से दूर नहीं रख सकते। गिरीश हैं? भाई जिंदा है क्या ये? अरे हुआ हुआ। हो रहा भाई ये क्या विष्णुजी के पैर है? पार्कोर एक सेकंड यहाँ पे ऊपर से कैसे इससे लड़ सकता हूँ ऊपर? इससे ऊपर जंप करेगी नहीं है, है? यहाँ से किधर? ओके लिफ्ट। तैयार रहो क्योंकि ये आग रंगदा सहन नहीं कर सकती।
रंगदा वो ही गए राक्षसनी है। देखो दुष्ट का असली चेहरा दिख गया। तैयार रहो राजी, तलवार ढाल और दिल। यप बॉस फाइट इनकमिंग। I want this. ये प्रकाश स्तंभ जलाने की कोशिश किसने की? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी मानव। What the hell? रंग दा? तुम हो घुसपैठिया। तुम्हारी युवत खत्म हुआ। मेरा भाई लौटा दे चुड़ैल। तुमने अपनी तकलीफ और बढ़ा ली है मानव। अयो बच गया। भाई राक्षस नहीं आए। रंगदा बत्तमीज रंगदा। अरे अयो तो तुम्हें किसने ऐसे हथियार दिए हैं? मुझे लगता है विष्णु ने। हमेशा बीच में आता है। बदतमीज, इतना मारूंगा इज्जत कर ले, तू तो मरेगी। मैं तुम्हें मार दूंगी असुर। बहुत बढ़िया नाइस मोटिवेशन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हथियार उठाने की? अपना सिर झुकाओ। भगवान विष्णु मेरी ढाल है और माँ दुर्गा मेरी तलवार। मैं तुम्हें हरा दूंगी। अयो ये आप आ गया। तो तुम्हें किसने ऐसे हथियार दिए हैं? मुझे लगता है विष्णु ने। हमेशा बीच में आता है। बदतमीजी है भाई, इज्जत ही नहीं आती। भगवान विष्णु मेरी ढाल है और माँ दुर्गा मेरी तलवार। मैं तुम्हें हरा दूंगी। एक डायलॉग कब तक बोलेगा भाई? I need no dialogue, bhai. तुमने रंगदा को नकारा है। ओह, भाई साहब, yes. ने अपनी तकलीफ और बढ़ा ली है मानव। अरे यार सेम वॉइस लाइन। उंगलियां तोड़नी है मैं तुम्हें एक बार हरा चुकी हूँ और मैं फिर से ऐसा ही करूंगी। मैं मरती नहीं है, मॉर्टल है। तो सारी उंगलियां मार कर काटनी है बस हमें। इजी है भाई, इजी है।
ओह माय गॉड, अरे अलग तरीके की बीम आ गए भाई, तगड़ी तरीके की बीम ले आई है। तो रंगदा शांत हो जा भाई, थम ही नहीं रही है। मैं तुम्हारे हड्डियों से मांस नोच लूंगी। जा ही नहीं रहा, बड़ी स्ट्रांग लिया तेरी तो। और कोई तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा। मैं तुम्हारे प्रवेश द्वारों को पताका बनाकर लहराऊंगी। अरे भाई ठीक है, भाई शांति नहीं हो रही, देखना करे जा रही है, करी जा रही है। बहुत कम लोग मेरे सामने इतनी देर टिक पाते हैं। तुम कौन हो? हम पहले भी लड़ चुके हैं, मुझे लगता है यार कितनी स्ट्रॉन्ग है। चखो शैतान, इतनी देर भाई कित बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी तो। मैं तुम्हारे दिल और फेफड़ों का रस निकाल दूंगी छोटी मानव। मरो जीव, तुम्हारा समय खत्म हुआ। अभी तो राजी का वही समय खराब चल रहा। बहुत कम लोग मेरे सामने इतनी देर टिक पाते हैं। तुम कौन हो? हम पहले भी लड़ चुके हैं, मुझे लगता है। मौत का स्वाद चखो शैतान। अरे यार एक वॉइस लाइन बोले जा रहे हैं भाई, कुछ नई वॉइस लाइन तो कर ले आओ। इतने मैंने भाई इतनी काट दी इसकी, बेहाथलेस होने वाली है। हाथलेस है, हेडलेस। मैं तुम्हारे हड्डियों से मांस नोच लूंगी। और कोई तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा। एक उंगली बची, लेट्स गो। आइए आइए, मार हाथ मार, डर रही है। आगे स्वाद मॉन्स्टर दानव रंगदा। मैं तुम्हारे दिल और फेफड़ों का रस निकाल दूंगी छोटी मानव। निकलने वाली है गई इसकी उंगली। मरो जीव, तुम्हारा समय खत्म हुआ। यार एक और बार हाथ मार दे यार। अरे भाई मैं नहीं खेल रहा ये घटिया गेम। मैं तुम्हारे हड्डियों से मांस नोच लूंगी। He is कैसे dead. ये कैसे कैसे हो सकता है? गई ना आया स्वाद। जी और वो जीत गई। आपने कहा था ऐसा ही होगा दुर्गा, और अब तक कई जिंदगियां रंगदा के लालच का शिकार हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन रंगदा कभी भी चालाक जीव नहीं थी। अब राजी को रंगदा के पीछे जो साजिश करने वाला है उसका सामना करना चाहिए। वो महाबलासुर के सामने कैसे लड़ पाएगी जिसके पास उसका भाई है? महाबलासुर मतलब महाबलासुर। अरे क्या हो गया?
गरुड़ लग रहा है मुझे, ये गरुड़ तो नहीं है। रहस्यवादी संदेश वाहक थक चुका था, उसने राजी को उसकी भूमि में जो है उसको लेकर चेतावनी दी। एक विजेता आया, साथ में असुर, मौत और दुख लाया। लेकिन उसके पास गोलू तक पहुंचने का बस यही रास्ता था। क्या है हमें तो बता दो। उन्हें तेजी से चलना होगा। चलो की सेना राजी को रहस्यवादियों की धरती पर पहुंचने से रोकने के लिए कुछ भी करेगी। रहस्यवादी डेड, बुरी तरह घायल था। राजी को खुद ही आगे बढ़ना होगा। या तो गाइस ये पार्ट आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे लगे तो लाइक की सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय। राजी का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ की सिक्स जो भी मयूर जो तुम कर